नमस्कार। दिनभर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई हिंसा का विश्लेषण करेंगे, जिसने फिर से यह सवाल उठाया है कि जिन लोगों ने खुद को गोरक्षा का ठेकेदार मान लिया है, उनको यह अधिकार कैसे मिल गया है कि वो किसी की जान ले लें। वैसे यह सवाल और इस पर बहस नई नहीं है, लेकिन बुलंदशहर में सोमवार को जो कुछ भी हुआ उसने नए सिरे से उस बहस को छेड़ा है, जिसमें सवाल उठते हैं कि क्यों गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाली सोच को इतनी हिम्मत मिल रही है कि वो पुलिस वालों पर भी हमला करने से नहीं हिचकते, पुलिस चौकी में आग लगाने से नहीं हिचकते, एक पुलिस इंस्पेक्टर को घेर कर मार देने से भी नहीं डरते। उत्तर प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर सुबोध सिंह इसी सोच का नया शिकार बने हैं, जिनकी बुलंदशहर हिंसा में भीड़ ने हत्या कर दी। सोमवार को हुई इस हिंसा में अब तक पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी, जो बजरंग दल से जुड़ा बताया जा रहा है, उसकी तलाश चल रही है। इस पूरे मामले में 2 बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से भीड़ ने पुलिस पर हमला करके इंस्पेक्टर की जान ली, क्या भीड़ को इस अराजकता और कातिल सोच में पहुंचाने के पीछे कोई साजिश थी, या पुलिस ने इस मामले को शुरुआत में हल्का समझने की चूक कर दी, जिसकी कीमत इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, या फिर साजिश और लापरवाही की ये दोनों बात बुलंदशहर की हिंसा का असली कारण है। हम इसका विश्लेषण आगे करेंगे, लेकिन यह पूरा मामला फिर से समझना जरूरी है कि बुलंदशहर में कब, क्या, कैसे, क्यों हुआ। यह घटना बुलंदशहर जिले के थाना सयाना की है, जहां सबसे पहले सोमवार की सुबह 9 बजे सयाना के महाव गांव में कुछ गांव वालों ने जंगल में गोकशी होने की शिकायत की, पुलिस को सूचना दी गई। तो सयाना थाने की चिंगरावटी चौकी से करीब 10 पुलिस वाले महाव गांव पहुंच गए। इस वक्त पर बहुत भीड़ जुट चुकी थी, लोग आक्रोशित थे। पुलिस वालों ने लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, पुलिस वालों ने अपने सीनियर अफसरों से भी फोन पर बात की, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी। करीब घंटे भर के बाद गांव वाले गोकशी के अवशेष ट्रैक्टर में भरकर मुख्य रोड और चिंगरावटी चौकी पहुंचने लगे। 11:30 बजे तक सयाना बुलंदशहर रोड पर बवाल बढ़ चुका था, रोड ब्लॉक हो चुकी थी, नारेबाजी हो रही थी। उधर बुलंदशहर में मुस्लिम समुदाय की बड़ी सभा जुटी थी, तो ज्यादातर पुलिस वाले वहां पर कानून व्यवस्था संभालने में जुटे हुए थे। सुबोध सिंह को उनके सीनियर अफसरों ने बुलंदशहर से सयाना भेजा, ताकि सयाना में मामला शांत करवाया जाए, लेकिन भीड़ रोड से हटने को तैयार नहीं थी। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस से झड़प तक हो गई। 1:30 बजे तक बड़े पैमाने पर हिंसा होने लगी, जिसमें पथराव, आगजनी और गोलीबारी तक हुई। भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। इसी में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और यह सब हुआ उससे जिसकी शुरुआत गाय के नाम पर हुई, जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की गई। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह आज जिंदा होते, अगर गाय के नाम पर वो शर्मनाक हिंसा ना होती जो सोमवार को बुलंदशहर के सियाना में हुई, और जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को भीड़ ने घेर कर मार दिया। मुख्यमंत्री जी वहां गौ गौ रचा क्या करे, वो खुद नहीं रचा कर पा रहे हैं, हम लोग क्या करे, चलो मानी चाहिए उनको। एक बार हमारी फैमिली से मिलने की कोशिश नहीं की, गौ हमारी माता है, मानते हैं, लेकिन उस माता के लिए मेरे भाई ने अपनी जान दी है। मुख्यमंत्री जी गौ 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 लाते फिरते हैं, खुद आगे गौ रचा को नहीं करते, शर्म की बात है। अफसोस है मुझे इस बात का। ये उस दर्द से निकला गुस्सा है जिसे कोई दूसरा नहीं समझ सकता। जो अपने को खोता है वही जानता है कि उस पर क्या बीतती है। 2 बेटों और पत्नी को बेसहारा कर दिया गया। इस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ, जो भी हुआ गलत था। एक मॉब लिंचिंग के तौर पे आज मैंने अपने पापा को खोया। कल कितने और पापा खोएंगे, कितने बच्चों के? आप ही बताइए। कौन थे वो टारगेट बनाने वाले, कौन थे जो छुपाए जा रहे हैं, कौन है वो? सारा मामला मेरे सामने स्पष्ट करो। जिसने भी मारा उसको, उसको अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने अगर उसको बख्श दिया,
तो मैं मेरे लिए जो है बीच चौराहे पे गोली मार के आत्महत्या करने के लिए वो साबित कर रहे हैं कि मैं बीच चौराहे पे खड़े होकर आत्महत्या कर लूं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिला, अगर उन्हें न्याय नहीं मिला, अब इस परिवार को कौन जवाब देगा, कौन जिम्मेदार है ऐसी भीड़ के लिए जो कानून व्यवस्था संभाल रहे पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ते, उन्हें घेर कर मार देने में भी नहीं डरते। ये वो गाड़ी है, ये वो जीप है जिसमें शहीद इंस्पेक्टर मौजूद थे, गोली लगती है उनको और उसके पत्थरबाजी होती है, गोली लगती है और फिर उसकी इस गाड़ी को आग लगा दी जाती है। ये ट्रैक देख रहे हैं आप, इस ट्रैक को जरा आप ऑब्जर्व करें। जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने अपनी गाड़ी अपने ड्राइवर को बोला होगा, अनुमान लगा रहे हम, कि अपनी गाड़ी आप अंदर लेकर आइए क्योंकि उनके ऊपर भीड़ हावी हो गई। यहां से अंदर खदेड़ते हुए लोग आ जाते हैं जो हमारे पास अभी जानकारी आ रही है, और फिर किसी ने बताया जा रहा है उनको गोली मार दी। अब ये उनकी सर्विस रिवॉल्वर से मारी, कैसे मारी, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन उसके बाद इसमें आग लगा दी जाती है, वो देखें आप। ये ऐसी कातिल सोच वाली भीड़ थी जो किसी की नहीं सुन रही थी। सुबोध सिंह इसी का शिकार हो गए। कैसे हिम्मत आती है ऐसी भीड़ को जो पुलिस चौकी पर हमला करने से भी नहीं हिचकते। उन्होंने आके अवशेष लेके यहाँ रखे ट्रॉली में, किसने, भाव से, हाँ हाँ, और इधर से पब्लिक आई पीछे से, हाँ। ये पता नहीं है दिन कहाँ गए, हाँ। और उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, सीधे पब्लिक आके पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और पुलिस चौकी पे हमला कर दिया। हाँ, पुलिस चौकी पे हमला कर दिया। और जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब थे आपने देखा उनको भागते हुए कुछ? हाँ, देखा था, भागते हुए देखा, पर आगे चले गए, वो काफी आगे, काफी आगे चले गए। फिर मैं दुकान में सामान देने लगा, फिर आप दुकान आपने बढ़ा दी और दुकान बढ़ा के निकल गए। कितनी देर में ये सब हुआ? करीब करीब एक घंटा लग गया यहाँ पर, एक घंटा ये सब चलता रहा उपद्रव। उपद्रव तब पुलिस के ऊपर क्या भारी पड़ गए थे वो सब? हाँ। कितने लोग होंगे? हजारों आदमी आई, हजारों आदमी होंगे। सबसे शर्मनाक यही कि ये सब गाय के नाम पर किया गया, लेकिन जो गोरक्षा करने के खुद ही ठेकेदार बन गए हैं उन्हें किसी की जान लेने का अधिकार कैसे मिल गया? इंस्पेक्टर सुबोध के मर्डर की एफआईआर में 27 दंगाइयों के सीधे सीधे नाम हैं, जिनमें पहले नंबर पर योगेश राज नाम का आरोपी है। योगेश राज की फिलहाल तलाश है, मुख्य आरोपी के तौर पर योगेश राज को बुलंदशहर पुलिस बता रही है। जिस तरह से इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह पर हमला हुआ, पुलिस पार्टी पर हमला हुआ, उस मामले में मुख्य आरोपी योगेश राज है और पुलिस का दावा है कि योगेश राज ही भीड़ को उकसा रहा था। हम आरोपी नंबर एक योगेश राज के घर तक भी पहुंचे, जो बजरंग दल का जिला संयोजक बताया जा रहा है। घर के बाहर अखंड भारत का नक्शा बना हुआ दिखा। घरवाले पहले से ही योगेश के बचाव में तैयार खड़े थे। बस वो तो सेवा से जुड़ा हुआ है, ये जहाँ पे गाय कटती है ये तो गौ माता होती है, उनकी रक्षा करता है, ये तो उस इस संयोजक से जुड़ा है, वो तो सबकी सेवा करता है, वो तो नादान है। ये तो बिल्कुल साफ है कि एफआईआर में जिन जिन को आरोपी बनाया गया उनमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी यूथ विंग से जुड़े लोग हैं, लेकिन पुलिस का हाल ये कि किसी संगठन का नाम लेने की हिम्मत तक नहीं। क्या योगेश का संबंध किसी संगठन से भी है? योगेश का संबंध है कि नहीं है ये मैं कहना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन योगेश राज इसमें नामित अभियुक्त है और योगेश राज एक इंडिविजुअल है जो इसमें जिसके प्रतिभाग करने की बात एफआईआर में कही गई है। दंगाइयों का तो हिसाब किताब होना ही चाहिए, लेकिन इसी के साथ पुलिस को भी जवाब देना है कि हालात अचानक से उनके काबू से बाहर कैसे हो गए। क्या ये मामले को हल्का समझने का नतीजा था जिसने बाद में मामला ही बिगाड़ दिया और जिस पर अब मुख्यमंत्री को भी जवाब देते नहीं बन रहा? महाराज जी, लखनऊ में भी बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई। महाराज जी, मुख्यमंत्री भले ही सवालों को अभी अनसुना कर दे, लेकिन बुलंदशहर जैसी हिंसा किसी भी सरकार के लिए दाग है। सीएम योगी पर तो सवाल इसलिए भी उठेंगे क्योंकि वो कानून व्यवस्था से कोई समझौता न करने के दावे
करते रहे हैं। निशांत चतुर्वेदी, मुकुल शर्मा और अनुज मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, बुलंदशहर आज तक। बुलंदशहर हिंसा मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर कई आरोप लग रहे हैं। आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं कि उनकी वजह से ही हिंदूवादी संगठन उनको हिम्मत मिलती है, गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी वाली सोच को हिम्मत मिलती है। राजनीतिक विरोधियों ने इसी बात पर उन्हें घेरा है। जब 400 लोग एक मानसिक सोच से वहां आए और हिंसा उन्होंने करके लोगों को मार दिया, तो उसके पीछे कौन है और ऐसा उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? और अगर पुलिस कर्मी की सुरक्षा नहीं हो सकती और लोग पिस्तौल से पुलिस कर्मी को मार दें, घर को आग लगी घर के चिराग से, कि ये जो गौ रक्षक है इनको तो पूरा प्रोटेक्शन बीजेपी देती है, आरएसएस देती है, संघ परिवार देती है, और एक पुलिस ऑफिसर को उसी के वेपन से उसके सर में गोली दाग देना, उसको कत्ल कर देना, तो ये जो मॉन्स्टर क्रिएट हुआ है तो ये तो इन्हीं का क्रिएशन है। जो बोया है वो काटेगा मुल्क, और ये तो सच है कि वो एक बहुत बड़ी इंक्वायरी का हिस्सा थे। जिस तरह से उनके साथ ही छोड़कर भागे, इन सारी चीजों से अलग सवाल यह है कि कानून का राज है या नहीं। तो इनको पहले एसपी और कप्तान के यहां जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग अपने हाथ में कानून लिए, कानून को अपने हाथ में लेकर के ये योजनाबद्ध तरीके से ये दंगा कराने की योजना इनकी थी कि बुलंदशहर में बड़ी संख्या में मुसलमान जुट रहा है और सड़क से ही आवागमन है, तो जाम होगा तो दोनों तरफ से विवाद होगा, बवाल होगा। लेकिन इन राजनीतिक बातों से दूर असली सवाल बुलंदशहर हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस सिस्टम पर भी उठते हैं, क्योंकि अचानक कैसे हो गया कि इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो गई, पुलिस चौकी पर हमला हो गया, पथराव, आगजनी हो गई, पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई, एक 19 साल के लड़के की जान चली गई। सोमवार की सुबह 9 बजे से यह मामला उठा था, जो अगले 4 घंटे में इतना भड़क गया कि इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। अब या तो पुलिस शुरुआत में इस मामले को हल्का समझ रही थी, या पुलिस वाले ओवर कॉन्फिडेंट थे कि मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि जब इतनी उग्र भीड़ थी और भीड़ को भड़काने वाले दंगाइयों को के मंसूबे सामने दिख रहे थे, तो सिर्फ स्थानीय पुलिस के भरोसे पर 4 घंटे मामले में उलझा क्यों रह गया? क्यों पूरी ताकत से फोर्स नहीं बुलाई गई? क्यों दंगाइयों को इतना समय मिला, इतनी हिम्मत मिली कि वो पुलिस चौकी पर हमला कर दें, पुलिस वालों को घेर कर मारे पीटे, यहां तक कि हत्या कर दें? इस वीडियो में आवाजें उस 19 साल के सुमित के लिए है जिसकी जान बुलंदशहर हिंसा में गई। ये वीडियो कितना सच्चा है, सुमित को गोली कैसे लगी, किसने उसको गोली मारी, इन सवालों का जवाब मिलना बाकी है। अब ये बात इन्वेस्टिगेशन में इसकी पुष्टि होगी कि सुमित क्या रोल था और क्या वो इसमें शामिल था या प्रत्यक्षदर्शी था और गोली कहां से लगी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा होगा कि बोर किसका था, क्या क्रॉस फायरिंग में उसकी मौत हुई है या पुलिस की गोली से मौत हुई। पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सामने नहीं लाई गई, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इसी गोलीबारी से बुलंदशहर का मामला ऐसा बिगड़ा कि एक इंस्पेक्टर की घेर कर हत्या कर दी गई, एक 19 साल के लड़के की जान गई वो अलग। मेरा पशु के चक्कर में न गया, मेरा दोस्त ने छोड़ने गया, मेरा कोई मैटर ना उसमें पशु के बारे में, मेरा तो यहाँ पढ़ाई कर रहा, दोस्त आ गया, दोस्त ने छोड़ने गया, कॉलेज तो प्राइवेट पढ़ाई कर रहा हूँ, वहाँ भी आप पूछ सकते हो। हाँ, मेरा तो दोस्त छोड़ने जा रहा, मेरा बेटा, मेरे बुढ़ापे की औलादी। सुमित के घर वालों का अपना दर्द और अपनी कहानी है, लेकिन सुमित का नाम उन 27 आरोपियों में है जिनके खिलाफ इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या और दंगा करने की एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस की अपनी कहानी है जिसे एफआईआर में बताया गया है। पुलिस भीड़ से गोकशी की एफआईआर लेने को कह रही थी,
लेकिन इसके बाद भी भीड़ उग्र होती जा रही थी। सुबोध सिंह की पिस्टल, मोबाइल फोन छीन लिए गए, वायरलेस सेट तोड़ दिए गए, गाड़ियों में आग लगाई गई। अराजक हालत के बीच पुलिस वाले चौकी के कमरे में अंदर छिपे, लेकिन भीड़ ने चौकी में ही आग लगा दी। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को इलाज के लिए गाड़ी में ले जाया जा रहा था तो भी भीड़ लगातार पथराव कर रही थी। बाहर से फोर्स आई तो अफसरों को बाहर निकाला जा सका। इस दौरान सेल्फ डिफेंस में बल प्रयोग और हवाई फायरिंग की गई। फायरिंग की बात आई है और फायरिंग की बात ग्रामीणों की तरफ से आ रही की बात शुरुआती तौर पे ग्रामीणों की तरफ से ही कट्टे से फायर करना विदित है, लेकिन इस बात की पुष्टि SIT करेगी कि किन परिस्थितियों में ग्रामीणों ने फायर किया, वहाँ कौन सी ऐसी बात हुई। और जहाँ तक पुलिस की बात है, हवाई फायर की बात पुलिस द्वारा करना ये स्वीकार किया गया जो FIR में भी जिसकी पुष्टि होती है। अब सवाल ये है कि इंस्पेक्टर सुबोध को गोली पहले मारी गई या फिर सुमित को गोली पहले लगी, जिसका वीडियो वायरल हुआ और जिसमें गोली मारे जाने वाली बात हो रही है। BJP के स्थानीय विधायक और सांसद तो पुलिस पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं और आरोपियों का बचाव कर रहे हैं। मुलेसर में पिछले 3 दिन से इतना एक आयोजन किया गया था और इतना भव्य रूप उसने लिया कि पूरे रोड जाम, स्कूल बंद, रास्ते जाम, हाईवे जाम, शायद प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि इतने लोग वहाँ पे आ पाएंगे। ये जो घटना हुई कल महा में, कुछ लोगों को गाय के सर और अवशेष वहाँ पे मिले, योगी जी की सरकार में ये इस जिले में दूसरी घटना है अभी एक हफ्ते के अंदर, अभी कुछ समय पहले खुर्जा क्षेत्र में हुई थी। और ये घटना तभी हुई है जब इस इज्तिमा का यहाँ पर आयोजन किया गया, लोगों को अवशेष मिले तो लोगों में आक्रोश हुआ, उन्होंने आक्रोश के रूप में आके रोड पर आए, रोड पर जाम लगाया, वहाँ पुलिस पहुंची तो पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया, लाठीचार्ज से लेकर लोगों ने पथराव उस पर किया। पुलिस अधिकारियों पर इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब मामला सुबह 9 बजे से चल रहा था तो फिर दोपहर 1:30 बजे तक दंगा करने का इंतजार क्यों किया गया, क्यों तुरंत फोर्स बुलाना जरूरी नहीं समझा गया, क्यों स्थानीय पुलिस को अकेला छोड़ दिया गया और तब फोर्स पहुंची जब दंगाई पुलिस पर हावी हो चुके थे। निशांत चतुर्वेदी, मुकुल शर्मा, अनुज मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, बुलंदशहर आज तक। कुछ लोग और कुछ नेता इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या को दादरी के अखलाक केस से जोड़ रहे थे और ये कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर सुबोध अखलाक केस की जांच कर रहे थे इसीलिए उनकी हत्या की गई, लेकिन यूपी पुलिस ने इसे पूरी तरह से गलत बताया है। इंस्पेक्टर सुबोध ने शुरुआत में सिर्फ 1 महीने अखलाक केस की जाँच की थी, उसके बाद वो इस केस से हट गए थे। खबरदार में अब करतारपुर कॉरिडोर पर क्रेडिट लेने वाली राजनीति का विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करतारपुर कॉरिडोर पर हुए फैसले को खुद को मिले जनादेश का नतीजा बताया। यही नहीं, उन्होंने करतारपुर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने को लेकर जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। राजस्थान की चुनावी रैली में PM से नाराज कांग्रेस ने उन्हें इतिहास ज्ञान देने में देर नहीं की। हम आपको 1947 में पंजाब के विभाजन की कहानी भी बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि करतारपुर कॉरिडोर कैसे सियासत का मुद्दा बन रहा है। गुरु परंपरा के आशीर्वाद है कि मेरे भाते पवित्र काम आया और करतारपुर कॉरिडोर बनाने का निर्णय कर लिया, कैबिनेट ने निर्णय कर लिया। अब 365 दिन जब वो कॉरिडोर बन जाएगा तो मेरा कोई भी गुरु परंपरा को श्रद्धा रखने वाला, गुरु ग्रंथ साहब के सामने सर झुकाने वाला कोई भी हिंदुस्तानी आराम से करतारपुर चला जाएगा, गुरु नानक देव जी के स्थान पर मत्था टेक करके लौटा। वैसे तो करतारपुर कॉरिडोर के लिए भारत पाकिस्तान का राजी हो जाना मसला कूटनीति का है, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर की संवेदनशीलता ही ऐसी है कि इसे लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में भी आर पार की रार ठनी है। राजस्थान में चुनाव प्रचार पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास को अपनी सरकार की सफलता से तो जोड़ा ही, सिखों के सबसे पवित्र जगहों में से एक करतारपुर के पाकिस्तान में चले जाने पर भी मोदी ने जवाहरलाल नेहरू को घेर लिया। गुरु नानक देव से आपको हमसे अलग नहीं कर सकता, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की सोचने की क्षमता का अभाव, संवेदनशीलता का अभाव,
राजगद्दी के सिवा कुछ दिखता नहीं था। सिख परंपरा के करोड़ों लोगों की भावनाओं का उनको अंदाज नहीं था और दुर्भाग्य से गुरु नानक देव जी के साथ जुड़ा हुआ करतारपुर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। करतारपुर को लेकर नेहरू पर नरेंद्र मोदी का ये वार इसलिए बेहद अहम है क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर के मसले पर पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू लाइमलाइट में रहे। सच्चाई तो यही है कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में सिद्धू पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से गले मिलने पर फंसे थे तो सिद्धू ने करतारपुर कॉरिडोर का नाम लेकर ही अपना गला छुड़ाया था। पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के मौके पर भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी वहां मौजूद थे तो सिद्धू इमरान के दोस्त के नाते महफिल लूट रहे थे। लेकिन करतारपुर कॉरिडोर का क्रेडिट सिद्धू को न मिल जाए इसे लेकर बीजेपी पहले से आक्रामक है। सुनिए आज तक की पंचायत में पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कैसे करतारपुर कॉरिडोर के फैसले को मोदी सरकार की कूटनीति से जोड़ा था। सिद्धू काफी नाराज चल रहे हैं, वो कहते हैं कि जब मैं गया करतारपुर साहिब तब बीजेपी ने मुझ पे बड़े अटैक किए, अब मेरे जाने के चक्कर में मोदी जी मेरी लाइन पे आ गए, करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खोल दिया। मैंने सबसे पहले कहा, बीजेपी उस वक्त मुझे गद्दार कह रही थी। मगर हम करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की शपथ विधि में नहीं गए थे, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत होती है भैया, परिणाम शपथ विधि में जाने से नहीं आते हैं, सिद्धू साहब को इतना समझना चाहिए। वैसे तो करतारपुर कॉरिडोर की राजनीति पर खुद कांग्रेस में ही घमासान मचा है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज तक से इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उन्होंने अपने मंत्री सिद्धू को पाकिस्तान जाने से मना किया था, लेकिन अब जबकि नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की चुनावी रैली में करतारपुर कॉरिडोर के बहाने नेहरू को लपेट लिया है तो कांग्रेस उन्हें इतिहास जानने की नसीहत दे रही है। शायद नरेंद्र मोदी जी को मुझे एक बताना पड़ेगा, पहली बात कि भारत और पाकिस्तान की जो लकीर खींची गई थी, सीमा बनी थी, वो रेडक्लिफ लाइन है। मोदी जी जरा उसके कागज पढ़े हैं, 4.5 साल में प्रधानमंत्री हो गए और उनको क्या ये भी मालूम है कि अगर गुरदासपुर और पठानकोट भारत का हिस्सा है वो जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बाद बना, वरना ये इलाके भी हिंदुस्तान के नहीं होते और जम्मू के साथ कोई सारा हमारा एक ज्योग्राफिकल जो है हमारे भारत का ज़मीनी उससे कोई कनेक्शन नहीं रहता। और करतारपुर कॉरिडोर की बहुत जो शुरुआत करी थी बातचीत वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई। मोदी जी जब बोलते हैं उससे पहले सोच लिया करें। 6 साल भारत के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे थे, जब इस तरह की बात करते हैं ये उनका भी नाम खराब करते हैं। एक अकेला करतारपुर कॉरिडोर पूरे पंजाब की राजनीति को बदल सकता है, बीजेपी और कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। मोदी ने अब जबकि नेहरू का नाम लेकर राजस्थान के चुनावी दांव में भी इसकी एंट्री करा दी है तो राहुल गांधी को खुद इसका जवाब देना पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। करतारपुर कॉरिडोर का क्रेडिट लूटने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में ही होड़ नहीं मची है बल्कि खुद पंजाब कांग्रेस के भीतर इस पर दो फाड़ है। सोमवार को पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में करतारपुर कॉरिडोर के लिए सीएम अमरिंदर सिंह को क्रेडिट दिया गया था। कैबिनेट की बैठक में करतारपुर कॉरिडोर के फैसले को ऐतिहासिक बताया गया था। मुख्यमंत्री अमरिंदर के करीबियों के अनुसार ये अमरिंदर सिंह ही थे जिन्होंने 2002 में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में करतारपुर कॉरिडोर का मसला उठाया था। अमरिंदर के करीबी इस मसले पर सिद्धू इफेक्ट कम करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह को करतारपुर क्रेडिट का पूरा श्रेय दे रहे हैं। अमरिंदर के करीबियों के अनुसार सिद्धू सिर्फ उन करोड़ों लोगों में से एक हैं जिन्होंने करतारपुर कॉरिडोर के लिए प्रार्थना की है। करतारपुर कॉरिडोर बनने का श्रेय किसे मिले इस पर राजनीति गर्म है तो आज प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद 1947 में पंजाब के बंटवारे के फैसले पर भी स्क्रूटनी हो रही है। आइए हम जरा 47 में बंटवारे के इतिहास को आंकने की कोशिश करते हैं। माउंटबेटन के बंटवारे के प्लान के अनुसार पंजाब और बंगाल की असेंबलियों को अपनी किस्मत पर फैसला करना था। पंजाब और बंगाल ने अपने अपने राज्यों को आबादी के फॉर्मूले पर बंटवारे के प्लान पर रजामंदी दी थी।
अविभाजित पंजाब की आबादी 3,30,00,000 थी। अविभाजित पंजाब में करीब 2,80,00,000 आबादी वाले हिस्से पर सीधे ब्रिटिश हुकूमत था। अविभाजित पंजाब में कुछ हिस्सों पर देसी रियासतों का भी कब्जा था। अविभाजित पंजाब मुस्लिम बहुल था, लेकिन हिंदू और सिखों की आबादी 44-47% थी। अविभाजित पंजाब में पेशावर से अंबाला तक सिख कहीं भी बहुमत में नहीं थे, लेकिन उनकी आबादी हर जगह थी। अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना में मुस्लिम और हिंदू सिख आबादी लगभग बराबर थी। जाहिर तौर पर पंजाब के हिस्सों को बांटने को लेकर नेताओं ने आपस में बातचीत की। इन परिस्थितियों में नेताओं की अपनी समझ और नेगोसिएशन, वो ग्रे एरिया है जिसमें क्या सही था क्या गलत था, इस पर कोई सीधी राय बनाना फिलहाल सही मालूम नहीं पड़ता। चलिए अब इतिहास से वर्तमान में आते हैं। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत में श्रेय लेने की छटपटाहट है, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री की गुगली वाली बात से पाकिस्तान पहले से बेपर्दा हो चुका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री तो वहां के राष्ट्रपति भी इस फैसले को शतरंज की चाल से जोड़कर देखते हैं। दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने देखा कि कल इमरान खान ने करतारपुर की गुगली फेंक दी, और उस गुगली का नतीजा क्या हुआ कि वो हिंदुस्तान जो इंगेज करने से कतरा रहा था, उनको दो वज़रा को रुख्सत करना पड़ा। बाद लेना खासा वो पाकिस्तान आए और उन्होंने इंगेज किया। तो मैं समझता हूँ दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक मूव। और अगर आपने शतरंज खेला हो कभी, आजकल तो नहीं खेला जाता, देखा ही है मैंने बस दूर से। हाँ, शतरंज खेला हो तो उसके अंदर जो चालें हैं, उन चालों के अंदर ये होता है कि आदमी सोचता है आगे जाकर पांचवीं चाल पर दूसरा क्या करेगा, तो अपनी चालें उस तरह से बनाता है। तो मैं समझता हूँ बहुत करतारपुर की उसमें हमने अच्छी चाल बहुत अच्छा चल ली है, बहुत अच्छी चाल। पाकिस्तान के राष्ट्रपति के शतरंज वाले दांव को आपने सुना। अगर करतारपुर कॉरिडोर का मसला शतरंज की चाल है, तो पाकिस्तान के लिए इसका मोहरा कौन है? शतरंज वाली उनकी इस व्याख्या में बयान को जरा और विस्तार से सुनिए और समझिए कि वो क्या कह रहे हैं। जिसको अब आप डेस्परेट कह रहे हैं, वो जब काम पिछली हुकूमत करती थी तो उसको अपोलोजेटिक अप्रोच कहा जाता था। नहीं, नहीं, यार क्यों लेटे जा रहे हो, वो नहीं कर रहे तो नहीं करें, छोड़ो आप, क्योंकि आप मोदी के दोस्त हैं, इसलिए आपको हर मामले में जो है भारत को सपोर्ट करने की जरूरत है। स्पेसिफिकली बताइए, मैं तो कहता हूँ कि इसमें, यानी मैं बहुत सारी चीजें कह नहीं सकता ऑन कैमरा, मगर ये आपसे कह सकता हूँ कि इसमें हमारे सिख जो हैं, जिनके साथ हम समझते हैं कि पाकिस्तान के सिख बरादरी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जिस तरह से सिद्धू साहब ने जो बात कही है पाकिस्तान के साथ अमन की, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर आवाज बढ़ेगी अमन के लिए। तो मैं समझता हूँ दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक मूव। और अगर आपने शतरंज खेला हो कभी, आजकल तो नहीं खेला जाता, देखा ही है मैंने बस दूर से। हाँ, शतरंज खेला हो तो उसके अंदर जो चालें हैं, उन चालों के अंदर ये होता है कि आदमी सोचता है आगे जाकर पांचवीं चाल पर दूसरा क्या करेगा, तो अपनी चालें उस तरह से बनाता है। तो मैं समझता हूँ बहुत करतारपुर की उसमें हमने अच्छी चाल बहुत अच्छा चल ली है, बहुत अच्छी चाल। जाहिर तौर पर करतारपुर कॉरिडोर को पाकिस्तान अपने रणनीतिक फायदे के लिए भुनाना चाहता है। जरा इस पर इमरान खान के करीबी और रेलवे मंत्री वहां के शेख रशीद की बात भी सुनिए। करतारपुर का सारा क्रेडिट जो है लास्ट सप्लाई, बाजवा के एक जफे ने हिंदुस्तान की सारी फॉरेन ऑफिस को नेस्तो नाबूद कर दिया। एक जफा बाजवा साहब का, उसने सारी दुनिया में वो पैगाम पहुंचाया जिसे इमरान खान ने अमली शक्ल दी है कि इंडिया में सफ़े मातम बिछी हुई है, कि हमारा जो मिशन था उसको बाजवा साहब के एक जफे ने नेस्तो नाबूद कर दिया। करतारपुर कॉरिडोर को पाकिस्तान अपनी कूटनीतिक जीत बताने पर तुला हुआ है, और इसमें पाकिस्तानी सेना का रोल भी साफ समझ आ रहा है। वैसे इमरान खान ने पाकिस्तानी पत्रकारों के सामने एक तरह से कबूल किया है कि उनकी विदेश नीति सेना के आगे नतमस्तक है। सर, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करती है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर में। आपका एक्सपीरियंस कैसा है, इंडिया से ताल्लुकात हो या अमेरिका से ताल्लुकात हो या इवन नवाज शरीफ साहब की डीलिंग का मामला हो? देखा, हमें नजर आ रहा है नवाज शरीफ जो है उन्होंने पंजाब में आपकी हुकूमत बदलने के लिए कुछ नहीं किया, सरदारी साहब ने कुछ नहीं किया, इसमें भी कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल है। बहुत से क्वार्टर जी बात कर रहे हैं आपके, चले अफगानिस्तान भी ऐड कर, कितना प्रेशर होता है एस्टेब्लिशमेंट का फॉरन पॉलिसी बनाने में? अच्छा, ये बड़ा, मैं एस्टेब्लिशमेंट का रोल सिर्फ बता रहा हूँ। आप ये सोचें कि अमेरिका इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, पेंटागन का क्या रोल होगा पॉलिसी फॉर्मेशन में? कोई किताब, एक किताब है बॉब वुडवर्ड की, ओबामाज़ वॉर, जिसमें
वो कहता है कि ओबामा बार बार पूछ रहा था सर्ज करने से पहले कि हमें जीत के आया अफगानिस्तान में, हम जीते नहीं, वो विड्रॉ करना चाहता था, पेंटागन ने उसको सर्ज करवाई। यानी जो इतनी डिजास्टर आज जो फंस गए अमेरिका, उस वक्त हॉलब्रुक के साथ वो अमन की बात करना चाहते थे, इसने जाके पेंटागन के प्रेशर में किया। देखिए जिधर सिक्योरिटी सिचुएशन होता है ना, आपको लेनी पड़ती है एडवाइस अपनी एस्टैब्लिशमेंट। वीडियो आपके पास है, उनके पास है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के पास क्या? वीडियो किसके पास है? पहले समझ लें कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल, आप फिर इधर आके बैठ जाए साथ उनके, वो इतने इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर है, वो फंस सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट का रोल इंपॉर्टेंट हर उधर होगा जिधर सिक्योरिटी सिचुएशन है, क्योंकि उनके पास एक पूरी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उस चीज की कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये कर रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कर रही है, हम ये कर। तो पहले तो आपको वो पूरी ब्रीफिंग देते हैं जो हमारे पास नहीं है। सो पहले नंबर वन, जब आप सिक्योरिटी सिचुएशन होता है उनकी राय जरूर लेते हैं और सारी दुनिया लेती है। जहां तक अब तक डिसीजन का बात, जहां तक अब तक हुआ है, सारी जो आप मेरी मैनिफेस्टो के अंदर मेरी फॉरेन पॉलिसी देख लें, सबके पीछे आज हमारे साथ फौज खड़ी हुई है। ठीक है, राजस्थान में मतदान सिर्फ 3 दिन दूर है, इसीलिए हम आपको आज राजस्थान में बसे पाकिस्तान से आए हिंदुओं पर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। चुनाव में हिंदुओं की बात बीजेपी और कांग्रेस जोर शोर से कर रही हैं, लेकिन इन हिंदुओं का मददगार कोई नहीं, इन्हें खुद अपनी हालत पर तरस आता है। जोधपुर से संवाददाता देव अंकुर की रिपोर्ट। कौन बड़ा हिंदू, राजस्थान के चुनाव में इस पर दम तो बहुत साधा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान से आए हिंदुओं की सुध लेने वाला कोई नहीं। वादे के बावजूद जोधपुर में रह रहे इन पाकिस्तानी हिंदुओं में से बहुतों के पास भारत की नागरिकता नहीं। नागरिकता नहीं तो कोई अधिकार कहां? जोगदास तकरीबन 2 दशकों से भारत में रह रहे हैं, लेकिन कई बार आवेदन करने के बावजूद वो भारत के नागरिक नहीं बन सके। मोने आए ना 18 वर्ष हो गया, तो ये था आया तो नहीं को बैठने नहीं जगह, अच्छा भूखा तेरा रहन जो बच्चों ने पढ़ाया, 12वीं पढ़ गया तो आगे कॉलेज आला सबूत मांगे, तो वो सबूत को नहीं मोरे खाने, मोरे बूटोर एक पेंसिल है तो वो को नहीं, हमें सर्दी रो मौसम आ गया, मोदेड़ा बूटा मरने तैयार है तो मरने जगह को नहीं। पाकिस्तान से आए इन हिंदुओं का आरोप है कि नागरिकता के मसले पर प्रशासन ने मनमानी की है। 2005 में करीब 6000 पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता दी गई थी। पाकिस्तान के जुल्मों सितम के बाद ये पाकिस्तानी हिंदू भारत आए थे, लेकिन बेहतर कल का सपना सिर्फ उनकी जान की सलामती से आगे रोशन नहीं हो पाया। मगर हमारी समस्याएं बहुत सी हैं, एक नहीं है, बीपीएल है वो नहीं है, सड़कें हैं तो वो आधी अधूरी हैं, उसके बाद बिजली की प्रॉब्लम है। पाकिस्तान से आए हिंदुओं में से अधिकतर जोधपुर की काली बेरी कॉलोनी में जैसे तैसे इंतजामों के साथ रह रहे हैं। जोधपुर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर काली बेरी की इस कॉलोनी में घरों से लेकर सड़क तक बस किसी तरह गुजारा कर लेने की सहूलियत मुहैया कराते हैं। पहली बात तो जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, कोई सड़क निर्माण नहीं है। दूसरी समस्या, हमारा कोई पटा नहीं है, जगह नहीं, गवर्नमेंट आती है कभी, निगम आती है कि उखेड़ देंगे, तो बाद में हमारे तो जलाने के लिए शमशान भूमि भी नहीं है। पाकिस्तान से करीब 3 लाख हिंदू भारत आए, इनमें से ज्यादातर लोग राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर के शिव, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर में ही रहते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी हिंदू सरकारों से निराश हैं, तो समझा जा सकता है कि हिंदुओं के हित का दावा सिर्फ चुनावी है। देवंकुर, जोधपुर, आज तक। खबरदार में अब 2019 के चुनाव के मद्देनजर एक अहम खबर दिखाते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बाद अब केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी ऐलान किया है कि वो अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि चुनाव न लड़ने का मतलब ये नहीं कि वो राजनीति से संन्यास ले रही हैं। वो अगले 1.5 साल तक गंगा यात्रा के लिए भी योजना बना रही हैं। इसके बाद तो राजनीति मुझसे कोई छुड़वा ही नहीं सकता, जब तक जिंदा रहूंगी तब तक, जब तक कोमा में नहीं चली जाऊंगी। इसलिए मैं राजनीति जरूर करूंगी, मैं बीजेपी से ही राजनीति करूंगी, मुझे बीजेपी में ही रहकर राजनीति करना है और राजनीति जरूर करना है। बस 1.5 साल मुझे गंगा और राम के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं रखा। 15 जनवरी से 1.5 साल, 14 मकर संक्रांति के बाद।
खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन भारत से जुड़ी हर खबर देखने के लिए YouTube पर भारत तक सब्सक्राइब कीजिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।